मैं हमें तुम्हारे दोस्तों अपने सेशन का नाम है ध्यान मैं सेशन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आज सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है पार्ट थर्ड का लेक्चर है और इस पार्ट थर्ड के लेक्चर का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और आज आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसका सोल्यूशन कैसे लगेगा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अगर आपको प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो अगर वीडियोस का कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे देना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर बेस, यानी एक फ्लावर बेस है उसका जो सेलिंग प्राइस है इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी किसी फ्लावर बेस का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का क्या है 5/6 है और आपको यहाँ कैलकुलेट करना है फाइनल लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग पहले जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है जिस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको देखिए। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या लॉस, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दे रहा हूं, लॉस इंटू 100/CP होता है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लॉस नहीं पता है और लॉस निकालते कैसे हैं। लॉस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं CP-SP का। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो सॉल्यूशन इसका दिया कैसे जाएगा। तो इसको देने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझ लो, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन की स्टोरी प्रॉब्लम का हेल्प लेंगे उसको सॉल्व करने में। देखो कैसे करेंगे, अब अगर मान लो कि वो भी आपको नहीं आता है, सपोज कर कुछ लोगों को क्या आता है ना इक्वेशन सॉल्व करने आता है लेकिन इक्वेशन बनाना कैसे है वो समझ नहीं आता है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो जरा इसको देखो, यहाँ पे लिखा गया ये तो सेलिंग प्राइस, चलिए इसको जो है ये जो लाइन जो लिखी गई है इसको हम लोग पहला पार्ट मान लेते हैं, ये चीज हो गई। यानी यहां से यहां तक आप मान लो ये तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर, इसको मान लो कि ये पार्ट वन है। यहां पे जो इज आया है इसको मान लो ये सेकेंड पार्ट है 5/6, तो क्या मान लीजिए थर्ड पार्ट, आपको मान लीजिए फोर्थ पार्ट, और फाइनल में दिया गया है इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी यहां से लेकर के इसको लेकर के हम जो है इसका फोर्थ पार्ट हम बना सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये तो पार्टीशन हमने कर लिया लेकिन कैसे रखना है, तो देखो फ्लावर बेस का जो सेलिंग प्राइस यानी जो पहला पार्ट है इसके लिए हम मान लेते हैं SP, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहां से यहां तक का, और जो इज दिख रहा है हैज ए हेल्पिंग वर्ब वहां पे हम लोग क्या करेंगे इक्वल का साइन डाल देंगे। तो समझ लो कि पहले पार्ट में मैंने क्या किया है, हमने लिख दिया है एसपी लिख दिया है, दूसरे पार्ट में क्या किया है जहां हेल्पिंग वर्ब था वहां पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया है, 5/6 लिखे हैं तो इसको हम लोग थर्ड पार्ट मान लेंगे। बाद में दिया गया है ऑफ, तो ऑफ के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, चलिए ये सिंबल आप लगा लीजिए आप ये चीज, तो इस समय में फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद से दिया गया इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इट्स कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम सीपी इंडिकेट करते रहे हैं, तो चूंकि सीपी लिखे हैं तो समझ लो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है होगा जो कंप्लीट फॉर्मेट होगा वो कॉस्ट प्राइस को इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट, सॉरी आप देख लीजिए मुझसे एक मिस्टेक हुई है, इसको फोर्थ पार्ट मान लो और इसको मान लो फिफ्थ पार्ट, तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि चूंकि सीपी पता नहीं है तो यहां पे मान के चलो, यहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं लेट इट बी सीपी को मान लिया जाए x, तो जब सीपी को x मान लेंगे तो हम लिख क्या सकते हैं 5/6 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और सीपी जगह x लिख दिया, तो इस रिजल्ट को हम यह भी लिख सकते हैं 5x/6। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो 5x/6 आया है वो किसके लिए आया है, ये सेलिंग प्राइस के लिए आया है, तो कॉस्ट प्राइस को जगह पे आपने क्या माना है x माना है, और जो कैलकुलेशन जो किए हो ये सेलिंग प्राइस का ही है, ये जो रिजल्ट किसको इंडिकेट कर रहा है सेलिंग प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको कैलकुलेट करना है लॉस परसेंटेज, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि लॉस हुआ कितना, तो उसके पहले आप क्या करिए कि यहां पे फॉर्मूला लिख लीजिए लॉस का, क्या CP-SP, अब सीपी हुआ कितना एक्स और सेलिंग प्राइस कितना है 5x/6, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा,
यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो वन मान लीजिए, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 6x माइनस 5x बाई 6, और फाइनली यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा x बाई 6। तो ये जो रिजल्ट आया वो किसके लिए है, ये लॉस के लिए रिजल्ट आया है। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि आपको आंसर जो देना है वो लॉस परसेंटेज का देना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। तो एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। तो सबसे पहले क्या करिए, लॉस की वैल्यू रख दीजिए यहां पे x अपॉन 6 अपॉन सीपी की वैल्यू क्या रखेंगे। तो सीपी वैल्यू पहले आपने x माना था, सपोज किया था, तो यहां पे सीपी की वैल्यू x रख लीजिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, और बगल में परसेंटेज का साइन तो जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे मेरे भाई बहनों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि डिवाइडेशन कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये न्यूमरेटर है, क्यों x अपॉन 6, तो x अपॉन 6, और ये है अपॉन डिवाइडेशन का। तो ये तो डिवाइडेशन ऐसे कर लो, x ऐसे लगा लो, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज लगा लीजिए इस तरीके से। अब आपको डिवाइडेशन, अगर आपने फ्रैक्शन का डिवाइडेशन पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा कि जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये 1 बाई x हो जाएगा, इन टू 100 परसेंटेज x x कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिला क्या 1 बाई 6 इन टू 100 परसेंटेज। और 100 बाई 6 को जब सॉल्व करोगे तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है। समटाइम्स कभी कभी आप इसको छोटा भी कर सकते हो, तो छोटा करोगे तो क्या होगा, 2, 3 या 6 और 50 टाइम्स में एक आंसर होगा। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब 50/3 परसेंटेज जब आया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी यहाँ पे तुम देख लो। 50/3 को 50 को तुमको 3 से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 3 1 3 2 0 3 6 18, और फाइनली रिजल्ट में रिमाइंडर में 2 में 2 मिल रहा है। तो जब तुम्हें लिखना होगा तो 16 ये जो है एज अ होल नंबर में काउंट होता है, तो होल नंबर में लिख लीजिए। उसके बाद से जो 2 एज ए रिमाइंडर है, तो लेकिन लिखते समय ये 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जिसे तुम डिवाइड कर रहे हो ये जाएगा 3 नीचे। तो ये हो गया परसेंटेज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करने में देरी मत लगाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।